am Saloni. Welcome to my channel Saloni Swag. Today I'll be showing you two effective exercises to fight all skin problems. So let's start the video. First of all guys, we're talking about cause of pimples. Pimples ke hone ka karan kya hai? तो सबसे पहला कारण जो है वो हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, यानी इन प्यूबर्टी जब हमारे शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं तो उस दौरान हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं। सेकंड, लैक ऑफ वाटर इन बॉडी, इट मीन्स कि हमारे शरीर में जब पानी की कमी आ जाती है, हमारे शरीर में वाटर बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं। थर्ड, बाय डेड सेल्स, डेड सेल्स के कारण भी हमारे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो जाते हैं। फोर्थ इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके कारण भी हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये चार कारण हैं जिसकी वजह से हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं। द फर्स्ट आसन इज त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है। सेकेंड, इंक्रीज करता है ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी को हमारे शरीर में, और ये बैक्टीरिया को किल करता है जिससे हमारे फेस पे पिंपल्स नहीं आते हैं। नाउ द सेकंड एंड बेस्ट आसन इज कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है, इससे हमारे बॉडी की ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इसको करने से स्कल्प प्यूरिफिकेशन होता है। कपालभाति प्राणायाम से हार्मोन्स का रेगुलेशन आसानी से हो पाता है। कपालभाति प्राणायाम से ऑलमोस्ट सारे स्किन प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। सो देयर आर माय टू एक्सरसाइजेस दैट विल रियली हेल्प यू टू फाइट ऑल स्किन प्रॉब्लम्स। So practice all the exercises daily for 1 month and I'm sure you will happy with the result. So if you like this video then give a thumbs up and also subscribe to my channel for more such natural remedies from me. See you in my next video. Till then bye bye, take care.